तकरीबन 11 महीने पहले डॉक्टर अनीता शर्मा की तैनाती आगरा के जिला अस्पताल में सीएमएस के पद पर हुई थी। कोविड जैसी महामारी के बाद उनकी तैनाती बेहद चुनौती भरी थी। स्वास्थ्य महकमे में तमाम ऐसे चैलेंज थे जिनसे डॉक्टर अनीता शर्मा को जूझना था, लेकिन उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और व्यवहार से जिला अस्पताल की तस्वीर ही बदल दी। जिस जिला अस्पताल में मरीजों को दवाइयाँ मिलना मुश्किल था, लिहाजा दवाओं की कमी को दूर किया और मरीजों को आसानी से दवाएं मिलने लगी। दवाओं के अलावा मरीजों के लिए इलाज के लिए बेहतर कदम उठाए, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार को मंशा को पूरा किया जा सके। हालांकि 11 महीने तक ही जिला अस्पताल की सीएमएस रही, लेकिन इतने कम वक्त में ऐसी छाप छोड़ी कि उनको लंबे वक्त तक याद किया जाएगा। अब उन्होंने लखनऊ में डायरेक्टर के पद पर जिम्मेदारी संभाली है, लिहाजा उनका मकसद है कि वो जनसंख्या नियंत्रण पर काम करेंगी, जिसके लिए महिला को जागरूकता अभियान भी चलाएंगी। बाकी सरकार के निर्देश होंगे, उसके अनुसार काम किया जाएगा। जी हाँ, मैं जिला अस्पताल आगरा में करीब 11 महीने रही और जब मैं आई थी तो मुझे काफ़ी चैलेंजेस दिखाई दिए, लेकिन मुझे खुशी है कि सबके सहयोग से काफ़ी कुछ बेहतरी हुई पेशेंट के केयर के लिए, उनकी सेवाओं के संबंध में। और कुछ यदि इस अस्पताल की उपलब्धियां सबके सहयोग से जो हुई, यदि उगना पाऊँ तो उसमें से सबसे पहला तो ये है कि इस हॉस्पिटल में जो ओपीडी ब्लॉक है तो वो पूरा क्रियाशील किया गया। हर तल पे सुविधाएं बढ़ाई गई, जैसे पेशेंट का रजिस्ट्रेशन है, दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन है और पैथोलॉजी का कलेक्शन है, वो हर फ्लोर पे बढ़ाया गया। अलग अलग कियोस्क बनाए गए और सुविधाएं बढ़ाई गई। दूसरी बात ये है कि हमने अपना जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है उसका विस्तारीकरण किया, और पहले बहुत छोटा हुआ करता था, अब काफ़ी विस्तार किया गया उसका, सुविधाएँ भी बढ़ गई हैं। इसके अलावा बिल्डिंग की स्थिति बहुत ख़राब थी, तो वो शासन की हेल्प से और जगह जगह रंगाई पुताई का काम चल रहा है, तो ये कुछ कार्य हुए जो मुझे संतोषपूर्ण लगे। मैम, आपकी तैनाती हुई कोरोना के बाद हुई जी, तमाम चैलेंजेस आपके सामने रहे होंगे जी, किस तरह के चैलेंज रहे? चैलेंजेस ये था कि मुझे अपने पर्सनल स्तर पे मुझे इसका कोई एक एक्सपीरियंस नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का, तो थोड़ा सा शुरू में मुझे परेशानी आई, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगी। तो चैलेंजेस मुझे अपने स्तर पे ही आए और बाकी तो सबका सहयोग रहा। में अपने इतने दिन कारोबार संभाला जी, तो कैसा लोगों का अनुभव रहा आपके साथ? नहीं, लोगों का तो मेरे साथ बहुत सपोर्ट रहा, और खासकर जो हमारी टीम है उसकी मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। मेरी टीम में बहुत एफिशिएंट लोग थे और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए, और जिससे कि मरीजों की केयर में काफ़ी बढ़ोतरी इम्प्रूव हुआ। जी, मैं एज डायरेक्टर नर्सिंग लखनऊ के लिए प्रमोट हुई हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि वहाँ पे भी अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकूँ और कुछ नई चीज़ों के बारे में विचार कर सकूँ, जैसे कि आजकल एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनके होम बेस्ड केयर के लिए, नर्सिंग केयर के लिए यदि मैं कोई प्रोफेशनल दे पाऊँ या कुछ ऐसा कोर्स चालू कर पाऊँ तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगी। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए ब्रज किशोर शर्मा की रिपोर्ट।